कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का दोहरा चरित्र एक बार फिर उजागर हो गया है। खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देने के आरोपों को लेकर लगातार उन पर और उनकी सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। वो हमेशा से अलगाववादियों को आतंकी मानने से इनकार करते रहे हैं और भारत पर ऐसे लोगों की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि जब उन्होंने खुद कबूल किया है कि कनाडा में खालिस्तानी मौजूद हैं। दरअसल ट्रूडो ने यह भी कहा कि खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी कनाडा में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। खालिस्तानी अलगाववादियों की मौजूदगी के बारे में ट्रूडो का कबूलनामा भारत के इस रुख को साफ करता है कि कनाडा सरकार खालिस्तानी तत्वों को पनाह दे रही है। ट्रूडो ने कहा कि बीते कुछ दिनों में हमने देश भर में दक्षिण एशियाई समुदायों में हिंसा देखी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग हिंसा, विभाजन और घृणा भड़का रहे हैं, वो किसी भी तरह से कनाडा में सिख समुदाय या हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ब्राम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसक की घटना ने कनाडा के हिंदू समुदाय में चिंता पैदा कर दी है। ऐसी खबरें आई हैं कि हिंदू मंदिर पर हमले के दौरान महिलाओं और बच्चों को निशाना भी बनाया गया है। इन सब के बीच अब कनाडाई प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि हिंसा कनाडा में रहने वाले व्यापक सिख और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कनाडा के प्रधानमंत्री का ताजा बयान ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की विदाई तय हो चुकी है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही ट्रूडो पर दबाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलकर जस्टिन ट्रूडो की आलोचना करते रहे। उन्होंने एक बार फिर ट्रूडो को वामपंथी पागल कह दिया था। इससे पहले ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने भी हिंदू सभा मंदिर पर भारत विरोधी तत्वों के हमले की निंदा की थी। उच्चायोग ने कहा कि हमने आज हिंसक व्यवधान देखा जिसे भारत विरोधी तत्वों ने टोरंटो के पास ब्राम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के साथ मिलकर आयोजित किए गए वाणिज्य दूतावास शिविर के बाहर अंजाम भी दिया। बयान में कहा गया कि हम भारतीय नागरिकों सहित उन आवेदकों की सुरक्षा के लिए भी बहुत चिंतित हैं जिनकी मांग पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। भारत विरोधी तत्वों के इन प्रयासों के बावजूद हमारा वाणिज्य दूतावास भारतीय और कनाडाई आवेदकों को 1000 से ज्यादा जीवन प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम रहा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।